हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई टिप के साथ कि जो कि एक्सटेंशन है। हम इंडेंट का पैराग्राफ्स के अंदर इंडेंट कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक तो दोस्तों, जैसे कि हमें पिछले ट्यूटोरियल हम बात कर चुके हैं कि हम इंडेंट को कैसे लगाते हैं, पैराग्राफ्स को इंडेंट के द्वारा कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो आज की टिप है कि हम टैब के द्वारा इंडेंट कैसे लगाते हैं और उसके अंदर जो डॉट्स होते हैं, जैसे ए के डॉट्स, बी के डॉट्स, इनको हम कैसे अलाइन करते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट हम इनके द्वारा करते हैं, ना कि हम एक ए के और बी के सी को अलाइनमेंट करते हैं। कोशिश ये की जाती है कि हम जो अलाइनमेंट करें, वो जो डॉट्स आपस में, जब डॉट्स लगे होते हैं नंबरिंग के साथ में, तो वो अलाइन हो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टैब्स को कैसे लगाते हैं। आप यहाँ देखिए, जैसे कि ये है एक पेज, मैं इस पर एक पेज और ऐड करता हूँ, नया पेज मैंने ऐड कर लिया। इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट पी के द्वारा, कंट्रोल शिफ्ट और पी आप यूज करेंगे अपने सिस्टम पे, कीबोर्ड पे, विंडोज़ वर्जन के अंदर, तो आपका एक नया पेज अपने आप इसमें ऐड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर टाइप जाते हैं, लेआउट में जाते हैं, पेज में जाते हैं, और यहाँ पे इनसाइड पेज होता है, इसका कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है। आप ये देखिए, ऐड पेज, इंसर्ट पेज, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आते हैं। और मैंने एक यहाँ पे लिया टेक्स्ट फ्रेम, लिया मैंने यहाँ पे बना दिया मैंने। अब हमें इसमें टैब यूज करना है, तो टैब्स के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और टी यूज कर सकते हैं। टैब्स खोलेंगे, पहले सबसे पहले टैब्स की विंडो खुलती है, छोटी सी विंडो टैब्स की खुल जाती है। आप इसमें देखिए दोस्तों, इसमें टैब्स के कितने प्रकार होते हैं। आप सबसे पहले प्रकार देखिए कि ये पहला टैब, हमें मान लीजिए कि हमने एक पहला टैब यहाँ लगा दिया, एक पे डिया लगाया, फिर दूसरा सेंटर टैब है, और तीसरा है राइट टैब। राइट टैब एक्चुअली नाम, इसका नाम सो नहीं कर रहा, और एक लेफ्ट टैब है, एक सेंटर टैब है, एक राइट टैब है। हमने इसको एक यहाँ लगाया, नेक्स्ट बार क्लिक कर देंगे। आप अगर टैब सेलेक्टेड करके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये अपने आप ही टैब की जो जो पोजीशन है, जो टैब का जो वो है, जैसे कि यहाँ पर सेंटर टैब आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके मुझे लेफ्ट टैब चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट टैब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम टैब्स को यहाँ ऐड करते हैं, इसके अंदर हम टैब्स ऐड करते हैं। लेकिन जो हमने टैब यहाँ ऐड किया है, वो एक्चुअली अप्लाई इस पैराग्राफ में हुआ है, और बाय डिफॉल्ट अभी भी ये जो हम एक और नया टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें कुछ नहीं है। तो जो हमने ये टैब अभी अप्लाई किया है, ये इस जो हमने पैराग्राफ यहाँ बनाया हुआ है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। आप यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक जो टैब्स की सेटिंग है वो यहाँ अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं। मान लीजिए मैंने टेक्स्ट ऐड किया, दिस इज क्या डाल दें, मान लीजिए टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू एंड टेक्स्ट थ्री। अब यहाँ सिस्टम पे है, मैं पहला टैब दबाता हूँ, एक टैब, और ये दूसरा टैब, और ये तीसरा टैब। अब आप इनके अलाइनमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जाते हैं, पहला टैब मैंने लगाया, यहाँ पे आप टैब देख रहे हैं, टैब से सिलेक्टेड है ये बिल्कुल आपके जो एज है, जो लेफ्ट एज है उससे अलाइन होता है, तो ये लेफ्ट इंडेंट हुआ। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल जो टेक्स्ट होता है उसके बाद सेंटर से अलाइन होता है, ये सेंटर है। और ये जो तीसरा देख पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल राइट से अलाइन होता है। तो इन तीनों की आप कहानी देखिए दोस्तों, कि वन टू एंड थ्री जो हम टेक्स्ट लगाया है हमने, ये तो ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट कौन सा टैब लगाया हुआ है, और इसकी स्पेसिंग हमें दोस्तों फिर यहाँ मेंटेन रखते हैं। आप वैसे हम काम करते हैं, तो हम इसकी जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मेंटेन रखें। तो यहाँ पर हम बॉक्स यूज़ करते हैं, एक बॉक्स लगाते हैं, और जितनी स्पेसिंग हमने यहाँ रखी होती है कोशिश करते हैं सेकंड वाला भी है वो हमारी उसकी भी जो टैब की स्पेसिंग है उतनी बराबर रखी जाए। अब तो हम यहाँ पर टैब उसके यहाँ ले आते हैं, इस लाइन को इस पर क्लिक करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, और जो टैब है इसको उठा करके आके यहाँ ले आते हैं। अभी इनकी स्पेसिंग जो होती है वो दोस्तों वो बराबर हो गई है, जो टैब्स की स्पेसिंग लगी हुई है, इसकी स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग। अब ये लेफ्ट से अंदर जाएगा, ये राइट से अंदर जाएगा, ये मतलब लेफ्ट से अंदर जाएगा और ये राइट से अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम टैब यूज़ करते हैं। टैब को आप जैसे चाहे वैसे प्लेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। आप जो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हुआ कि जब भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो टैब्स गायब हो जाते हैं। अब चाहते हैं कि बाई जो डिफ़ॉल्ट है, ये जो पोजीशन है बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स की पोजीशन है, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आए, मतलब जब भी हम नया टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करें तो ये पोजीशन जो है अपने आप आए। दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपने जैसे यहाँ पर अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, सब कुछ जो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इसको डिसलेक्ट कर दीजिए, यानी कुछ भी सिलेक्ट ना करें। इसके बाद आप यहाँ पर पहला टैब डालें, सॉरी ये टैब है, एक टैब डालें यहाँ पर, इसके बाद दूसरा टैब जो सेंटर टैब है उसको लीजिए, सॉरी ये भी चेंज हो गया, जो कि सिलेक्टेड है ये चेंज हो जाता है, तो उसको वापस यहाँ यहाँ मूव कर देते हैं, हम यहाँ डालते हैं सेंटर टैब को। ठीक है, एक टैब यहाँ डालते हैं, इस पर लेफ्ट पर क्लिक कर देते हैं तो दे लेफ्ट बन जाएगा,
और एक टैब यहाँ डालते हैं इस पोजीशन पे, और इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि देखिए, अब जब भी आप नया टेक्स्ट पेन बनाए, क्योंकि हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है उस पर हमने अप्लाई कर दिया टैब्स को, अब जब भी हम नया टेक्स्ट फ्रेम लेंगे जो टैब्स की सेटिंग है वो हर एक टैब में, टैब जो टेक्स्ट फ्रेम है सब में अपने आप लग के आएगी। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने ये टेक्स्ट फ्रेम छोटा लिया हुआ है तो ये टैब्स इसके बाहर जा रहा है, टेक्स्ट फ्रेम बड़ा लेंगे तो टैब पूरा टेक्स्ट फ्रेम बाहर तक जाएगा, टैब जहाँ तक उसका हमने टैब लगाया हुआ है वो टैब यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि हम टैब के द्वारा इंडेंट कैसे लगाते हैं, इंडेंट्स को कैसे यूज करते हैं टैब की सेटिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने जैसे कि यहाँ लिया, अब आप मैंने इसको दोबारा टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी करके, और मैं इसको वापस इस जो टेक्स्ट पे मैंने अभी बनाया है इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, सब डिलीट कर देते हैं, ये सारा डिलीट कर दिया मैंने, एक छोड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने सारे जो इंडेंट यहाँ लाले हुए हैं वो सारे कर देता हूँ जीरो। दोस्तों जब यहाँ पर आप माइनस जा रहे हैं तो यहाँ पर आप जीरो कर देंगे, तो जो कि जीरो करने के बाद ये जो नेक्स्ट वैल्यू हमारी है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये जीरो से माइनस नहीं जाएगी, यानी जो हमारा टेस्ट फ्रेम है उसके बाहर नहीं जाएगी, इसलिए आपको पहले जो माइनस वाले वैल्यूज हैं उसे जीरो करना पड़ता है, फिर जो आपके प्लस वाले वैल्यूज हैं उसे जीरो करना पड़ेगा। आप पहले जो माइनस की वैल्यू, जो कि माइनस वैल्यू जा रही है, आप ऊपर जीरो कर देंगे तो जीरो के बाद उसके माइनस कहाँ जा सकता है उस वैल्यू, इसलिए वो बार बार उस पर वो एरर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ आते हैं, हमने इसमें क्या किया, एक यहाँ चूंकि हमारा मान लीजिए कि ये नंबर, हमें नंबर यूज करने हैं ए, चलिए मान नंबर नंबर या यूज करना है, यहाँ पर हमें ए और 10 तक काउंटिंग है हमारी, 1 और 13 है, हमें जो डॉट्स को यहाँ अलाइन करना है इस पोजिशन के साथ में, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडेंट डालते हैं एक, हमने यहाँ इंडेंट डाला, इसकी पोजिशन किया जो राइट इंडेंट है हमारा इसको डाला, और इसको हम लेके आते हैं यहाँ पर इस लाइन के साथ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो 34 पीटी है, और एक इंडेंट और डालते हैं हम यहाँ पे, जितना हमें स्पेस चाहिए होता है इन दो के दो टैब्स के बीच में, यहाँ लगाते हैं 61 पीटी का। ठीक है दोस्तों, या 61 58 कर दिए ताकि इतना गैप काफ़ी है, मैं एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक टैब मा लगाते हैं, और दूसरा टैब चूँकि लगा हुआ है तो ये अपने आप ही इतने गैप पे जितना हमने यहाँ इंडेंट दिया हुआ है ये अपने आप वहाँ पहुँच जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा है थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम इसको यहाँ तक ले आते हैं, इस टैब तक ले आते हैं, नहीं 53 पीटी का हो गया। अब 53 पीटी का होने के बाद अब यहाँ देखो, यहाँ टैब लगा रहे हैं, पहले वाले टैब लगा रहे हैं, तो ये चूँकि जो राइट अलाइन है तो ये जो डॉट है, डॉट से इसको जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेफ्ट साइड लिखे जाएगा, ड्रॉप करके उसको टेस्ट को फ्लो करेगा लेफ्ट साइड की तरफ को, और डॉट्स को जो हम टैब लगाते हैं जो लास्ट एलिमेंट डॉट होगा हमारा वो उसको यहाँ मैच करके लाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम जो हमारा नेक्स्ट टैब लगाया, हमने लगाया 53 पीटी पे, यानी यहाँ तक हमारा 53 है, तो हम क्या करेंगे इसको करेंगे फिर हम यहाँ देखते हैं क्या करते हैं, आगे बढ़ाएंगे 53 पीटी पे लेके जाएंगे, इसको हम करते हैं 53 पीटी, यहाँ कर दिया हमने, और जो फर्स्ट लाइन को है उसे करते हैं माइनस में लेके जाते हैं, माइनस में जहाँ तक हमारा जो डॉट है, डॉट इस लाइन पे आ जाए जो कि हमने टैब सेट किया हुआ है, इस लाइन पे डॉट आ जाए, यानी माइनस 36 पीटी, ये कितना था हमारा 34 था, 34 हमने चूँकि टैब लगाया हुआ है लेकिन हमें डॉट को अलाइन करना है तो हम इसको माइनस 36 रखते हैं, ये रखते हैं यहाँ पे इसको। अब ये टेक्स्ट बराबर हो गया, यहाँ टैब लगा हुआ है, हमें देखते हैं कि इस पर वो सेटिंग काम करती है नहीं करती, हम क्या करते हैं इसको, हमारी जो पैराग्राफ स्टाइल से गायब हो गई यहाँ से, टाइप करते हैं पैराग्राफ F11 दबाते हैं, क्लिक करते हैं F11 से, और इसको मूव इसको मूव कर देता हूँ, लाके इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो अपने आप यहाँ पर सेट हो जाती है, इसके बाद यहाँ पर जाते हैं और इसे करते हैं रीडिफाइन, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड बताया था कि रीडिफाइन कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस साइन बन गया, क्योंकि हमने इसको मैंने फिर मॉडिफाई किया है, हमने इस पर टैब डाले हैं, इंडेंट डाला है, मैनुअली डाला है, तो ये फिर से मॉडिफाई हो जाता है, हम इसको करते हैं राइट क्लिक करके रीडिफाइन स्टाइल करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे ये हो गया वही टेक्स्ट टू, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी प्लस साइन दिया हुआ है, तो इसको जब ये प्लस साइन हम चार्ज को मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं हम इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो मॉडिफाई नहीं होगा, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है डॉट ये लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने टैब भी यूज नहीं किया, 53 पीटी का माइनस जा रहा है, यहाँ पे टैब लगाया है, एक सेकंड दोस्तों यहाँ देखते हैं कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई टैब नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है, मैंने यहाँ क्या कर दिया दोस्तों,
कि जो हमने वैल्यूज यहाँ माइनस 53 PT यहाँ इसके माइनस किया है, हमें इसको भी माइनस 53 तक करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ टैब लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पर माइनस 33 नहीं जाएंगे, हम इसको पूरा एस्टिमेट 0 ले लेंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको माइनस 53 करता हूँ, तो आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये पूरा पूरा यहाँ पे 0 से यहाँ पर टैब नहीं लगा होता तो ये इस तरीके से आता, क्योंकि हमने इंडेंट लेफ्ट लेफ्ट इंडेंट यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर पूरा 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 0 ले आया, 0 वैल्यू पे ले आएंगे, यानी जितना हमने इसको इंडेंट यहाँ दिया है उसको उतना ही माइनस कर देंगे, सो दैट की जो फर्स्ट लाइन है उतनी 0 पहुँच जाए। अब यहाँ पर हम टैब लगाते हैं, यहाँ पर देखिए टैब लगाने के साथ ही जो हमारा टैब लगा हुआ है वो उससे मैच हो गया लाइन से। अब इसको हम करते हैं रीडिफाइन, इसको रीडिफाइन करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 13:0 पहुँच गया, और ये भी जो जो लाइन यहाँ ये मेनटेन है हमारी, और ये जो डॉट है ये भी आप शिफ्ट हो गया है। तो अब इसमें क्या करना होता है हमें कि यहाँ पे एक टैब लगाना होता है स्टार्टिंग में। अब यहाँ से हमें टैब लगाऊंगा तो ये डॉट जो है डॉट मेंटेन हो जाएंगे, और जो टैब लगाने के साथ ही जो नंबर 13 है जहाँ तक जितना उसको वैल्यू लेगी उसको चाहिए वहाँ तक हो जाएगा। उसके आगे यहाँ पे टैब से टैब जो टैब लगा हुआ है उससे वो उसे अलाइन कर देगा और ये अपना बराबर हो जाएंगे। दूसरे की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने जो टैब लगाया है वो सिर्फ 2 नंबर तक लगाया है। अगर ये नंबर मान लीजिए यहाँ पे 131 होता तो क्या होगा, डॉट्स फिर आउट हो गए। तो उस स्थिति में डॉट अगर हम दोस्तों हमारे पास अगर नंबर ज़्यादा होते हैं तो हमें ये मैं डिसाइड पहले करना होता है कि हमें नंबर कहाँ तक चाहिए होते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे दोस्तों कि हम कई बार क्या करते हैं कि हम 1 से 99 तक जो होता है वो स्टाइल प्रॉपर फॉलो करते हैं। जब 99 से जैसे 100 पे पहुँचते हैं हम वहाँ पर एक स्टाइल और नहीं बना देते हैं। सो देखिए शुरू के वो करेक्टर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक वो देखने में अजीब ना लगे और वहाँ की लाइनें जैसे अब इसको मेंटेन करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी करते हैं। एक बार मान लीजिए तो यहाँ पे हमें 53 लिया हुआ है, क्योंकि बीच वाले पे भी असाइल अप्लाई नहीं हुआ है इसलिए उस पर गायब हो जा रहे हैं। अब गायब नहीं होगा वो, जब आपने देखा ना यहाँ पे क्या था, ये बीच वाला जो लाइन एक पैराग्राफ मारा हुआ है इस पर कोई टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है, इसलिए मैं जब दोनों साइड करूँगा तो ये यहाँ पे आपको बल्ले से बदल देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टाइल लग गई हैं। तो उन्हें समझेगा नहीं कि किसको शो करना है किसको नहीं करना है। मैं इस पर अप्लाई करूँगा, यहाँ अप्लाई करने के बाद अब इस पर क्लिक करेंगे दोनों पे तो ये बल्ले नहीं बदलेगा स्टाइल में। ये चीज़ दोस्तों चीज़ सब देख देख आप काम करेंगे तो अपने आप समझ आ जाती है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे आ करके अब हम इसको लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने 53 है, मैं इसको और बढ़ाता हूँ यहाँ पे, मैंने इसको 61-62 कर दिया यहाँ पे, और इतना ही मैंने इसको माइनस कर दिया, -69 कर दिया। अब ये वापस चला गया। अब जो लेफ्ट इंडेंट है हमारा इसको मैं थोड़ा सा और अंदर ले लेता हूँ, सो दैट कि जो हमारे डॉट्स हैं जहाँ तक डॉट्स आ रहा है वहाँ कर देंगे तो डॉट्स बराबर हो गए। अब इसके आगे मैं नंबर नया नंबर टाइप करूँगा, मान लीजिए एक टैब लगाया मैंने 132 डॉट, इसके बाद दिस इज चेक ये डाला मैंने। अब देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल अब ये जो डॉट हैं डॉट फिर से अलाइन हो गए हैं इसके, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेंट को आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, जो टैब है हमारा ये वाला हमने आगे बढ़ा दिया है। ये देखिए दोस्तों जिस थोड़ा दोस्तों यहाँ दोनों देखें थोड़ा सा लग रहा है कि आउट है, बट चूँकि टैब लगाया हुआ है ये आउट नहीं होने चाहिए यहाँ पे। एक मिनट देखते हैं आपको सेट पूरा कंट्रोल ले करके, लेफ्ट टैब लगा हुआ है इसको ऐड करते हैं थोड़ा सा, यहाँ लगाते हैं एक टैब यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। ये देखिए दोस्तों आप टैब के पोजीशन से शिफ्ट करेंगे अब ये बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। पहले क्या था कि ये यहाँ पे थोड़ा सा भी और यहाँ पे चिपकी हुई जा रहा था टैब, प्रॉपर टैब काम नहीं कर रहा था इसलिए आपको लाइन आउट दिख रही थी। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बराबर है जो डॉट्स हमारे लगे हुए हैं। और इसके बाद एक स्टाइल जो हमने आउट टैब यहाँ लगाया हुआ है ये टैब आगे हो गया है, आप इसको जहाँ चाहते हैं वहाँ टैब रखिए इसको। और जो इंडेंट है दोस्तों इंडेंट को हम यहाँ भी क्लिक करके यहाँ से भी इंडेंट्स को मूव कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। ये जो आपको 2 डॉट्स दिए होते हैं ब्लैक डॉट देख पा रहे हैं ये कि यहाँ से हम करते ही करते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि विजुअली करना चाहते हैं स्टाइल देख करके करना चाहते हैं, यहाँ से मैंने किया यहाँ रखा और इसके बाद इसको पकड़ेंगे और इसको वापस लेफ्ट 0:0 मूव कर देंगे। तो आप यहाँ से भी इन टैब्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ छोटे छोटे 2 बटन दिए हुए हैं, आप यहाँ जूम करेंगे, आप इसमें जूम करेंगे तो उससे ये जूम नहीं होगा जूम आपका टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से भी इनको मॉडिफाई कर सकते हैं जो छोटे छोटे 2 ब्लैक डॉट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये आज की ट्रिप थी कि हम इंडेंट को यूज़ करके जो टैब्स को यूज़ करके इंडेंट किस प्रकार डालते हैं और उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। मैंने आज आपके इसके बारे में बात किया है टैब्स के बारे में। तो आज आपको टैब्स के द्वारा इंडेंट डालना कैसा लगा, आपको किस टिप के बारे में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन से जरूर बताइए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों इसके लिए यदि आप अभी तक आपने नहीं किया तो आप गूगल खोलें, ऐसे यूट्यूब खोल करके, अब जैसे मैं गूगल खोल रहा हूँ गूगल खोलिए और इस पर आप यूट्यूब खोलिए, मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ यहाँ पर, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आप जहाँ से सर्च कर रहे होंगे आप इसे विकी मेरी से वीडियोस दिख रही हैं आपको, डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप
डेस्कटॉप ऑलवेज चाहिए हिंदी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये अभी ये मेरा चैनल आ गया यहाँ पे, अब इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही आप जो मेरा चैनल का होम पेज है आप यहाँ पहुँच जाते हैं। आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आप जैसे कि मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो चलने लगी मेरी यहाँ पे, आप चल रही है, आप प्ले हो रही है, तो आप मेरे चैनल को यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सब्सक्राइब करने का फायदा ये हुआ कि अब जो भी मैं नई वीडियो चाह डालूंगा आप मेरी नोटिफिकेशन जो इनकी नोटिफिकेशन से ये आपको तुरंत आपके इनबॉक्स में मिल जाएंगी और आप उन वीडियोस को तुरंत देख सकते हैं अगर आपको मतलब की लगती हैं तो। और इसके द्वारा अगर आप मेरे होम पेज पर भी हैं तो होम पेज पर भी आप मेरी सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इस पर कॉल ड्रॉ के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। आप एक बार यहाँ आइए और सर्च करके जरूर देखिए दोस्तों कि मेरे चैनल पर कितनी सारी वीडियोज़ आपको मिलती हैं। तो दोस्तों आपको मेरी टिप्स कैसी लग रही हैं मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।